हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सब ठीक होंगे। ओके, तो आज मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ, वो है होममेड पिज्ज़ा। तो ओवन में नहीं बनाएंगे, वो है तवे पे बनाएंगे, पैन में बनाएंगे। तो बहुत सिंपल है बनाने के लिए और इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा नहीं चाहिए, हम लोग घर में जो अवेलेबल है उससे बनाएंगे। तो चलते हैं और बनाते हैं पिज्ज़ा। पिज्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो करना पड़ेगा, डो बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें चाहिए मैदा। मैदा में मैंने सॉल्ट डाल दिया है, थोड़ा सा चीनी, बेकिंग सोडा थोड़ा डालना है, बेकिंग पाउडर और कर्ड डाल के, इतना सा कर्ड डाल के हमें डो बनाना पड़ेगा। अगर पानी डालना है आपको तो पानी थोड़ा डाल सकता है। और इसको हमें मिक्स करके डो बनाना पड़ेगा सबसे पहले। और हम थोड़ा कर्ड डालेंगे क्योंकि थोड़ा लेस लग रहा है, तो हम थोड़ा और एक चम्मच से डाल के मिक्स करना है। अभी हम थोड़ा सा पानी डालना है और मिक्स करना है। अब हम डो बना के रेडी हो गया है। अभी हमें 30 मिनट्स कवर करके बंद करके रखना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। हाफ एन आवर हो गया है, ये डो तो है थोड़ा सॉफ्ट हो गया, लेकिन आपको फिर से ऐसा करना पड़ेगा 10 मिनट तक ताकि पिज्जा जो है सॉफ्ट आए। उसके बाद हमें ये गोला सा रोटी जैसा बनाना है और उतना पतला नहीं रखना है, थोड़ा मोटा रखना है। और उसके बाद हमें ऐसा छेद करना है ताकि ये रोटी के जैसा फूले ना। आज हम पिज्जा तवा में बनाएंगे, तो तवा में हमने थोड़ा ऑयल डाला है, आप बटर भी डाल सकता है। और उसके बाद रोटी को रखना है, लाइट ब्राउन जब होगा तब बाकी सब इंग्रेडिएंट्स हमें डालना है। अभी ये फूल रहा है तो अभी हम लोग को बाकी सब इंग्रेडिएंट्स डालना होगा। फिर रोटी थोड़ा ब्राउन हो गया, उतना भी नहीं, लाइट ब्राउन हो गया है। अभी हमें ये जो हमने पिज्जा सॉस बनाया था वो डालेंगे पहले। पिज्जा सॉस रेडी है गाइस। अभी अब आपको क्या करना है, अभी ये थोड़ा गर्म है, थोड़ा देर के बाद आपको मिक्सर लेके इसको ग्राइंड करके पिज्जा में यूज कर सकता है। बीन्स, कॉर्न्स और सबसे मेन इंग्रेडिएंट चीज। उसके बाद आपको ये ढक के 15 से 20 मिनट तक रख सकते हैं। हमारे पिज्जा रेडी हो गया है, बिल्कुल इतना सुंदर लग रहा है ये चीजी पिज्जा। आप घर पे बना के खा सकते हैं, बहुत सिंपल सा इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए और घर पे भी आराम से बना सकता है, ओवन भी नहीं चाहिए। ये सब तवा में बना के खाइए पिज्ज़ा। मैं भी अभी इंजॉय करूँगी ये खा के, आप लोग भी घर पे बना के खा सकता है। और मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और घर पे बना के इंजॉय करिएगा। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।